गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी गौतम बुद्ध जी के बारे में कि जब वो अपने सारथी के साथ घूमने के लिए निकले थे तो उन्हें सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति मिला था जिसके सफ़ेद बाल थे, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, और दूसरी बार उन्हें एक महिला मिली थी जो दर्द से पीड़ित थी और कराह रही थी, और तीसरी बार उन्हें एक शव ले जाते हुए कुछ लोग मिले थे। तब उन्होंने अपने सारथी से प्रश्न पूछा था कि देखकर उन्हें इतना दुख हुआ कि उन्होंने यह देखकर वह परेशान हो उठे, दुखी रहने लगे। उन्होंने अपने सारथी से कहा कि मुझे यहीं पर उतार दो और वह जीवन और मृत्यु के छुटकारे पाने की बात पर सोचते रहे। तुम ये सब, उसने अपने जेवर भी उतार दिए थे, तुम ये सब जेवर लेकर कपिलवस्तु वापस लौट जाओ। अपने बेटे राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर वह साधु वेश धारण कर जीवन के यथार्थ को समझने के लिए निकल पड़े थे। सच्चे ज्ञान और शांति की खोज के लिए उन्होंने काफ़ी दिनों तक कठिन तपस्या की, परंतु उनसे उन्हें शारीरिक कष्ट ही हुआ। उन्होंने इस रास्ते को पर फिर भी छोड़ा नहीं। वह बहुत दिनों तक बिहार प्रांत के गया स्थान पर ऋषियों के साथ पहुँचे जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जब वे पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए बैठे हुए थे तो उन्हें मनुष्य के दुखों का कारण और उनसे छुटकारा पाने के उपाय का ज्ञान भी प्राप्त हुआ और वह बुद्ध अर्थात जागा हुआ कहलाए। उन्होंने मध्यम मार्ग यानी कि बीच का रास्ता अपनाने की भी शिक्षा दी, जिसका अर्थ था ना तो विलासिता और ना ही अधिक कठोर तप। गौतम बुद्ध ने चार आर्य सत्य को माना है। दुख है, दुख दूर करने का उपाय भी है, दुख का कारण है, दुखों के दूर करने का उपाय अष्टंग मार्ग है। महात्मन कृपा मेरे इस पुत्र को जीवित कर दे। ऐसा एक दिन कृष्णा गौतमी नामक स्त्री अपने मृत्यु प्राप्त पुत्र को लेकर बुद्ध के पास पहुंची थी और उनसे कहा था कि ये जो मेरा पुत्र है इसको आप जीवित कर दिए क्योंकि ये मेरा इकलौता पुत्र है। रो नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम मुझे उस घर से एक मिट्टी सरसों का बीज लाकर दो जहाँ पर कभी भी किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो, तब मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। कुछ देर पश्चात कृष्णा गौतमी निराश होकर वापस बुद्ध के पास आई। हे महात्मा, मुझे कोई ऐसा घर मिला ही नहीं जहाँ मृत्यु ना हुई हो। मेरे बच्चे जो भी पैदा होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। जीवन में अंततः कुछ भी नहीं है किंतु दुख है। हमारी इच्छा की समाप्ति हमें दुख से दूर करती है। ये अष्टंग मार्ग सरल मानवतापूर्ण व्यवहार के नियम है। पहला है, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होना, सही बात और कार्य करना, सत्य बोलना, अच्छा कार्य करना, अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करना, मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना, अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नजर रखना, ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना। महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा है। उनके उपदेशों से मानव सोच में बहुत कुछ बदलाव भी आया है। उनके उपदेश सरल पाली भाषा में हुआ करते थे। उन्होंने बताया कि व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, ना कि उसकी जाति पर। एक एक घटना उन्होंने बताई कि मुझे प्यास लगी है, कृपया मुझे थोड़ा पानी दें। बहन महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने प्रार्थना की, क्या आपको पता नहीं कि मैं एक शूद्र हूँ? उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मुझे यह नहीं जानना कि तुम किस परिवार से हो। यदि तुम्हारे पास पानी हो तो कृपया मुझे पानी दे। आनंद ने कहा। इस घटनाओं में उनके सदाचार से आम लोग अति प्रभावित हुए और दूर दूर तक उनके अनुयायी हो गए। 2000 वर्ष बीत जाने के बाद भी महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के विचारों का अनुकरण आज भी हो रहा है। सोचो, यदि वह कहते कुछ और करते कुछ और तो क्या उनके ज़्यादा अनुयायी होते? गौतम बुद्ध के निर्वाण के कुछ शताब्दी के बाद उनके बौद्ध जो अनुयायी थे उनके दो संप्रदाय में बट गए। एक तो थे हीनयान और दूसरा थे महायान। इस प्रकार ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया।